तो राहुल गांधी की यात्रा के साथ साथ विवाद भी कदम ताल कर रहे हैं। यात्रा के अभी 5 दिन हुए हैं और 3-3 विवाद शोर मचा रहे हैं। सबसे ताजा विवाद राहुल के साथ मुलाकात के वक्त पादरी का वो बयान है जिसमें उन्होंने ईसा को असली भगवान बता दिया। Jesus Christ is a form of God. Is that correct? It's a real God. It's a real God. That's a real revelation. God revealed him as a man, human person. Not like Shakti or this power. So we see in this human person, born like a man, born in this world. यही वो वीडियो है जिससे लेकर सियासी संग्राम छिड़ा है। तमिलनाडु के कन्याकुमारी में राहुल गांधी ने कैथोलिक पादरियों से मुलाकात की। इस दौरान तमिल पादरी जॉर्ज पोनैया ने कहा, ईसा मसीह ही असली भगवान है। So we see in this human person, they're born like a man, born in this world. देखते ही देखते कैथोलिक पादरी जॉर्ज पोनैया का बयान वायरल हो गया। बीजेपी ने बयान को पकड़ा और राहुल गांधी पर हमलों की बौछार कर दी। हिंदू देवी देवताओं के अपमान का आरोप लगाया तो कांग्रेस ने इसे यात्रा को लेकर बीजेपी की बौखलाहट बता दिया। आज मैं राहुल गांधी से पूछना चाहती हूँ, मैं स्तब्ध हूँ। यहाँ पर तेजस्वी सूर्य बैठे हैं, हमारे युवा नेता, भारत जोड़ों का यात्रा करने वाले हैं ऐसा सुनने में आया, लेकिन यात्रा कर किसके साथ रहे हैं? जिसने यूनिवर्सिटी की कैंपस में जाकर घोषणा की कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह। मैं राहुल गांधी से आज पूछना चाहती हूं कि जिन लोगों ने सरेआम भारत को तोड़ने का नारा दिया और नारा देने के बाद हिंदुस्तान से माफी नहीं मांगी, उनको आपने अपनी पार्टी का सदस्य कैसे बनाया? विवाद केवल भाजपा के दिमाग में है। इन्फ्लेमेटरी स्पीच होती है वो हमारे लिए सद्भावना का संदेश होता है। मुझे नहीं मालूम कौन पादरी जी थे, उनसे पूछताछ करना चाहिए सरकार को। कैथोलिक पादरी जॉर्ज पोनैया का विवादों से पुराना नाता रहा है। इस बार ईसा को असली भगवान बताने वाले पादरी पोनैया पहले भारत माता का भी अपमान कर चुके हैं। चप्पल को लेकर पोनैया ने कहा था कि हमारी संस्कृति में लोग चप्पलें पहनते हैं ताकि भारत माता की गंदगी हमें गंदा ना कर दे। और तो और, पीएम मोदी को लेकर वो आपत्तिजनक बयान दे चुके हैं। लॉकडाउन में चर्च को बंद करने पर भी अनाप शनाप बोलने लगे थे। हमारे हृदय को व्यथित करता है, मगर ये कोई पहली बार हो रहा है ऐसा भी नहीं है। पहले भी ऐसे कई मौके आए हैं जिन मौकों पर कांग्रेस पार्टी, सोनिया जी और राहुल जी ने हिंदू धर्म के खिलाफ एक तरह से अशोभनीय बातों को बोला है, चाहे वो भगवान राम के विषय में सबूत मांगने की बात हो, भगवान राम को नकारने का विषय हो, या आज मां शक्ति का विषय हो। कि हम तो रोड पे हैं ना, हम तो ये तय नहीं कर सकते हैं, कोई भी आ रहा है, मिल रहा है। और भारत जोड़ो यात्रा में कोई उस तरह से तो हम लोग चल नहीं रहे हैं, सड़कों पे चल रहे हैं। हम कह रहे हैं कि एक कहावत होती है ना कि चंदन विष व्याप्त नहीं लिपटे रहत भुजंग। कोई आकर के बोल रहा है उनको बोलने दीजिए। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा बहुत क्लियर है, आजादी के आंदोलन में भी ये स्लोगन लगता था और आज भी हम मानते हैं कि यह देश सबका है, सब लोगों का है, अभी सर्व धर्म बराबर है। यात्रा को लेकर मजहब वाले संग्राम पर कांग्रेस को ओवैसी का भी साथ मिला। उन्होंने बीजेपी को भारतीयता का ज्ञान देने में देर नहीं लगाई। उन्होंने कहा कि भारत अलग अलग धर्मों का देश है और यही उसकी खूबसूरती है। ये देश जो है, इस देश का कोई रिलीजन नहीं है और ये देश तमाम रिलीजन को मानता है। और ये देश की खूबसूरती यही है कि हम जो हर किसी, कोई खुदा को, कोई अल्लाह को, कोई भगवान को, तो ईसाई जीसस को, तो कोई गुरु नानक को, ये सब, या कोई किसी को नहीं मानता है, तब भी ये देश उन सबको सेलिब्रेट करता है। तो अगर किसी ने ऐसा कहा है तो उनको समझना चाहिए ये देश की खूबसूरती ये है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 5वां दिन है। आज राहुल गांधी की पदयात्रा की केरल चरण की शुरुआत हुई।
सुबह के नाश्ते के बाद राहुल गांधी सुबह 7 बजे सड़क पर उतर गए। तिरुवनंतपुरम के पारसला जंक्शन पर यात्रा की शुरुआत बैंड बाजे के साथ हुई। भारत जोड़ो यात्रा का 5वां दिन है और आज ये यात्रा लगभग सुबह 13 किलोमीटर चलेगी। आप देख रहे हैं पारसाला से ये यात्रा निकली है और लगातार रोज सुबह शाम 12-13 किलोमीटर कवर हो रहे हैं। तमिलनाडु को पीछे छोड़ते हुए अब ये यात्रा केरला में आ गई है और तिरुवनंतपुरम के इलाके में ये यात्रा लगातार चल रही है। केरल में कांग्रेस की यात्रा 19 दिन चलेगी और इन 19 दिनों में राहुल गांधी 475 किलोमीटर पैदल चलेंगे, यानी रोज 25 किलोमीटर पैदल मार्च। केरल लेग में कांग्रेस की यात्रा 12 लोकसभा क्षेत्र और 43 विधानसभा से गुजरेगी। अब आगे आगे देखिए यात्रा के साथ विवादों की फेहरिस्त कहां तक पहुंचती है। सुप्रिया भारद्वाज और मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।